सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। हरियाणा से 83 मजदूर पहुंचे कन्नौज, डीएम ने किया क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण, व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। योगी सरकार की पहल पर प्रवासी मजदूरों का एक जत्था देर रात कन्नौज पहुंचा। यह सभी मजदूर हरियाणा से देर रात रोडवेज बस के द्वारा कन्नौज लाए गए। सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग कर उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। बताते चले कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लाने की योजना बनाई थी, जिसके अंतर्गत देर रात हरियाणा से 83 मजदूरों का एक जत्था रोडवेज बस द्वारा कन्नौज लाया गया। जैसे ही इन मजदूरों का जत्था कन्नौज पहुंचा, मौके पर प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंच गई और उन सभी 83 मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की, जिसके बाद इन सभी मजदूरों को महेंद्र नीलम इंटर कॉलेज में 78 लोगों को और 5 लोगों को मेडिकल कॉलेज में 24 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। सर, किस प्रकार का निरीक्षण था सर? ये हमारा आश्रय स्थल है महेंद्र नीलम इंटर कॉलेज तिरवा में। रात में यहाँ हरियाणा से 83 आदमी आए हैं, जिसमें 78 आदमी यहाँ रखे गए हैं और 5 आदमी मेडिकल कॉलेज में गए हैं। उन्हीं को देखने आए थे कि ये लोग कैसे हैं, सब इनकी व्यवस्थाएँ ठीक हैं। सर, जिन कितने लोग आए सर? ये 78 लोग आए हैं और रेस्ट यहाँ पहले से थे। कुल इस कॉलेज में 131 लोग रह रहे हैं वर्तमान में। ठीक सर, कुछ सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।